न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इतिहास के पन्ने मेरी नजर में। इन दिनों सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद का डे टू डे हियरिंग कर रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगस्त 2010 के फैसले के खिलाफ 14 पार्टीज के अपील उसके सामने हैं। अयोध्या का मुद्दा 35 साल से भी ज्यादा भारत की राजनीति के केंद्र में है। 70 साल पुराना ये केस अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। एक तरफ तो अयोध्या विवाद आस्था का मामला है, यह कि ज्यादातर हिंदू मानते हैं कि जहां बाबरी मस्जिद थी ठीक उसी जगह पर श्री राम का जन्म हुआ था और अब वहां एक भव्य मंदिर बनना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये केस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिविल डिस्प्यूट है। कोर्ट को यह तय करना है कि जमीन किसकी है। इसी वजह से इस केस को टाइटल सूट कहा जाता है। हाई कोर्ट ने 21 साल तक सुनवाई की, उसके बाद 2.77 एकड़ डिस्प्यूटेड जमीन को तीन पार्टीज के बीच बांट दिया। एक तिहाई सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया, दूसरा एक और हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को और एक फाइनल 1/3 पोर्शन श्री राम लल्ला विराजमान को। सवाल यह उठता है कि अचानक से राम लल्ला विराजमान कहां से प्रकट हुए और कैसे, जब ये केस 1949 के बाद फैजाबाद के सिविल कोर्ट में शुरू हुआ तब राम लल्ला लिटिगेंट या पार्टी नहीं थे। सिर्फ राम लल्ला विराजमान ही नहीं, राम जन्म स्थान भी इस केस में पार्टी हैं। राम लल्ला दरअसल बाल श्री राम का रूप है और जिस मूर्ति को अयोध्या के विवादित ढांचे में पूजा जाता है उसका नाम है राम लल्ला कि ये मूर्ति वहां विराजी हुई है। इसीलिए वो चाइल्ड डेटी का पूरा नाम राम लल्ला विराजमान है। उसी तरह से राम जन्म स्थान उस एंटायर 2.77 एकड़ जमीन का नाम है। क्या ये अजीब बात नहीं है, ये डेटी या देवता या फिर एक जमीन का प्लॉट इस सबसे ज्यादा सेंसिटिव केस का के पार्टीज हैं। सिर्फ पार्टीज ही नहीं बल्कि इन दिनों कोर्ट के सामने फुल लीगल राइट्स हैं उनके। ये कैसे हुआ, उनको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके बिहाफ में कौन लीगल आर्गुमेंट्स पेश कर रहे हैं। आखिरकार राम जन्म स्थान या राम लल्ला तो बोल ही नहीं सकते। इस सिलसिले की शुरुआत जुलाई 1989 में हुई थी। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज देवकी नंदन अग्रवाल उस समय विश्व हिंदू परिषद के वाइस प्रेसिडेंट थे। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया और अपने आप को राम लल्ला का सखा या फ्रेंड क्लेम किया। उन्होंने कहा कि वे राम लल्ला और राम जन्म स्थान को कोर्ट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं क्योंकि उनकी कोई रिप्रेजेंटेटिव केस में पार्टी के तौर पर नहीं है। कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर ली और कहा कि अगर किसी और पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो विश्व हिंदू परिषद के ये नेता राम लल्ला को रिप्रेजेंट करेंगे। भला राम या उनके रिप्रेजेंटेटिव या उनके वकील के खिलाफ कौन ऑब्जेक्शन करेगा। उसी समय से विश्व हिंदू परिषद और उस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केस में पार्टी बन गए। अग्रवाल की इस केस में फॉर्मल एंट्री संघ परिवार की एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी का पार्ट था। उसके बाद से आरएसएस या उसके एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस का इस केस में लोकस स्टैंडाई कभी क्वेश्चन नहीं किया जा सका है।
द ईयर 2002 में अग्रवाल का देहांत हो गया। एक सब्स्टिट्यूट फ्रेंड ऑफ डेटी की जरूरत पड़ी। तब टीपी वर्मा नाम के एक सज्जन प्रकट हुए। वे भी आरएसएस के मेंबर थे और विश्व हिंदू परिषद में भी एक्टिव थे। इस अपॉइंटमेंट से साबित हो गया कि संघ परिवार के नेता तय करेंगे कि कौन इस केस में पार्टी होंगे और अल्टीमेटली किसको ये डिस्प्यूटेड साइट का पोजीशन मिलेगा। 2008 में वर्मा जी भी रिटायर हो गए और उनकी जगह पर विश्व हिंदू परिषद के एक और सदस्य त्रिलोकीनाथ पांडे, उन्होंने उनकी जगह ले ली। वे अब इस केस में पार्टी हैं और बहुत सीनियर वकीलों की टीम के साथ रामलला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रामलला और राम जन्म स्थान का बाबरी मस्जिद राम मंदिर केस में पार्टी बनना संघ परिवार के लीगल एक्यूमेंट को दर्शाता है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा पब्लिकली स्टेज कॉन्स्पिटोरियल तरीके से दिसंबर 1949 में बाबरी मस्जिद के सेंट्रल डोम के नीचे रामलला की मूर्ति को रखा गया। वो घटना दिसंबर 22-23 की सर्द रात में अंधेरे तले घटी। बहुत समय से अयोध्या में स्थिति फ्लैश पॉइंट की तरफ बढ़ रही थी। मुसलमानों को कई साल से वहां जाकर नमाज अदा करने में दिक्कत होती थी। दिसंबर 1948 तक अयोध्या और फैजाबाद में हालात बहुत बिगड़ गए थे। एक सरकारी स्पॉट रिपोर्ट ने सीनियर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया कि जब मुसलमान नमाज के लिए जाते हैं तो उन्हें बहुत डिस्टर्बेंस होता है। आफ्टर मुस्लिम्स लेफ्ट अ लॉट ऑफ नॉइज इज क्रिएटेड एंड फ्रॉम द सराउंडिंग हाउसेस शूज एंड स्टोन्स आर हर्ल्ड। द मुस्लिम्स आउट ऑफ फियर डू नॉट utter a word. I have spent the night in Ayodhya and the Bairagis are sure to forcibly take possession of the masjid. Phir bhi senior officials ne koi action nahi liya. Dheere dheere Babri Masjid ka takeover ke process ne zor pakad liya. Saptahik Harijan Patrika, jisko Mahatma Gandhi ne 1933 mein launch kiya tha, उसमें एक रिपोर्ट छपी दिसंबर 1949 में अयोध्या की स्पॉट रिपोर्ट पर। प्रोपेगेंडा वाज कैरिड ऑन फॉर दिस पर्पस थ्रू लाउडस्पीकर्स प्रोक्लेमिंग दैट द बर्थ प्लेस ऑफ राम वाज बीइंग रीगेन्ड एंड पीपल शुड विजिट इट फॉर दर्शन। पीपल वेंट इन हंड्रेड्स। स्पीचेस वर डिलीवर्ड टेलिंग पीपल दैट द बाबरी मस्जिद वाज टू बी कन्वर्टेड इनटू अ राम मंदिर। Government officials were standing at the recitations. Some more old tombs and holy places were demolished and idols of Hindu gods were installed in their place. Ant mein takeover ho gaya. 23 December 1949 ko police ke ek constable ki report par FIR bhi darj ki gayi. Unhone kaha, main subah 8 बजे करीब जन्मभूमि गया था। मुझे पता चला कि 50-60 लोग कंपाउंड गेट तोड़कर दीवार को छलांग लगाकर बाबरी मस्जिद में घुस गए, वहां श्री राम की मूर्ति स्थापित की और सीताराम पेंट कर दिया। उसके बाद 5,000-6,000 लोगों की भीड़ बाहर जमा हो गई। वे भजन गा रहे थे और नारे लगा रहे थे। उन्होंने मस्जिद के अंदर घुसने की भी कोशिश की मगर उन्हें रोक दिया गया। लेकिन ये एफआईआर घटनाओं का सही विवरण नहीं देती है। वास्तविकता तो ये थी कि मूर्ति की स्थापना एक षड्यंत्र के अंतर्गत पॉलिटिकली कनेक्टेड लोगों ने की थी। वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में भी ये बात थी। बाद में हल्ला हो गया, भीड़ इकट्ठी हो गई और लोग सेलिब्रेट करने लगे। तो रामलला विराजमान इस तरह से बाबरी मस्जिद के अंदर प्रकट हुए। हालांकि ये कहा जाता है कि ये सब एक डिवाइन इंटरवेंशन था, भगवान का खुद प्रकट होना।
1949 के बाद से बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से इस बात को छिपाया गया कि मूर्ति को फोर्सिबली इंस्टॉल किया गया था और इस प्लान की पूर्व जानकारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को थी। फिर भी उन्होंने इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। जिस तरह गांधी जी की हत्या के पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, उसी तरह से बाबरी मस्जिद में रामलला को स्थापित करने में भी थी। हिंदू महासभा के रिकॉर्ड में संगठन के इन्वॉल्वमेंट के बारे में पता चलता है। उनके नेता लेकिन उस समय सामने नहीं आए क्योंकि गांधी जी की हत्याकांड में महासभा के शीर्ष के नेता विनायक दामोदर सावरकर और बहुत सारे एक्टिविस्ट अरेस्ट हुए थे। संगठन को भी सेटबैक लगा था। इसके बावजूद उनके नेता और एक्टिविस्ट ने मिशन रामलला को एकम्प्लिश कर ही लिया। दिसंबर 1950 में पूना में अपने स्पेशल सेशन में टास्क एकम्प्लिश का रिपोर्ट पेश किया गया। उसमें कहा गया, ड्यूरिंग द ईयर हिंदू महासभा अंडरटुक द वर्क ऑफ रीगेनिंग द राम जन्मभूमि टेम्पल एट अयोध्या। इट इज नाउ इन द पोजेशन ऑफ हिंदू महासभाइट्स। हिंदू महासभा के इस प्रोजेक्ट में कई टॉप नेता इन्वॉल्व थे। उनमें से एक बहुत बड़ा नाम महासभा के अखिल भारतीय सचिव और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष महंत दिग्विजय नाथ का था। वे गोरखपुर स्थित गोरखनाथ पीठ के मठाधीश थे और 1967 में गोरखपुर से ही लोकसभा में चुने गए थे। कहा जाता है कि दुनिया बहुत छोटी है। आज इस मठ के हेड उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। बात खत्म करने से पहले सावरकर का एक अहम भाषण मैं दोहराना चाहता हूं। कलकत्ता में 24 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद में मूर्ति इंस्टॉल होने के ठीक एक दिन बाद, द गोल ऑफ अखंड भारत इज नियरर देन एवर, द टॉक ऑफ सेक्युलर स्टेट इज एब्सर्ड इन अ कंट्री विच इज इनहैबिटेड लार्जली बाय हिंदूज एंड इट इज देयर प्राउड टास्क टू एस्टैब्लिश अ हिंदू राष्ट्र। सावरकर का ये 70 साल पुराना कोट मैंने आपके सामने क्यों रखा? मुझे लगता है कि उनके ये बात आज के भारत में बहुत रिलेवेंट है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? आप सोचिए इसके बारे में जरूर। नमस्कार।